तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे घर पे हो रहा है पेंट। आपको दिखाते हैं क्या कुछ होएगा, क्या कुछ नहीं दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखो, सामान सारा बिखरा हुआ है बिल्कुल। ये विशु का झूला उतार दिया हमने, ये कूलर है हमारा, और ये पूरा सामान रखा है जो पेंट करेंगे अभी। ये मिस्त्री लगे हुए हैं, ये फ्लावर है जो हम दीवार पे बनवाएंगे, और ये हमारे अंदर वाला कमरा है जिसका हमने पूरा सामान इकट्ठा करके बीच में रख दिया है ताकि दीवारों की थोड़ी सी ये उतार दें, फिनिशिंग हो जाए फिर वो करें। और ये इधर हमारी किचन है गाइज, ये देखो अभी मिस्त्री लगे हो तो अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, फिर बाद में आपको अच्छे से एक दिन होम टूर करवाएंगे। एक रूम ये है गाइज, ये सोफे के कवर मतलब सब कुछ ढक रखा है, दीपू उधर रेस्ट कर रहा है। गाइज ये भैया उतार रहे हैं इधर, जो गिर जाता है ना पेंट वो उतार रहे हैं, और एक भैया इधर लगे अलमीरा में अलमारी की फिनिशिंग कर रहे हैं। ये भैया देख झाड़ू से भी कर रहे हैं साफ, भाई बहुत बुरा हाल हो जाए पेंट में। चुस्की लेते हुए बाकी कपड़ा उठाया है। खड़ा हो जा यो मिस्त्री भाई, हमारा सब ढीला चल है, देले चाह भी खत्म नहीं हुई थी उसकी। बोली बुरा हाल की मिस्त्री ने बेचारा यो तो माता के पकोड़े तार को मारे पड़ा हो गया को कर दे तो जयंती जमा में फेमस बना दो जमा फेमस है मैं नहीं ना रात रात मारो करा ओके मिले रही। ये भैया एक कमरा मैंने करवाया लीला कलर यानी ब्लू कलर, तो ये देखो भैया करने लग रहे हैं अभी, तो सिंगल कोट मारें इसका, फिर डबल मारेंगे, फिर देखना आप बाकी बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाएंगे जब होम टूर करवाएंगे, फिनिशिंग का तो तब पता चलेगा। तो अब तो भैया जुटे हुए हैं, इसी कलर की तो इनकी कैप है और इसी कलर का हमारा कलर है दीवार का। ये भाई दीपू का और विशु का फेवरेट कलर है ब्लू, इसलिए हमने इस रूम में ये करवाया है। ये देखो गाइस, दीपू रसगुल्ले खाते हुए और विशु सो गई है। ये रसगुल्ले विशु के हैं और ये छुप छुप के खा रहा है अब इसके सोने के बाद, है ना? खा लेगी नहीं, ये खाने नहीं देती इसको बिल्कुल भी। थोड़े से मेरे लिए भी छोड़ देना, थोड़े से। ये देखो गाइस विशु उठ चुकी है। विशु ये तेरे रसगुल्ले खावे, जल्दी जल्दी खा ले, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ओए विशु, तेरे वाले तो मैंने छुपा रखे, ये तो गंदे वाले थे, सो जा सो जा। हाँ गंदे वाले खा ली इसने, ये बीमार होएगा, सो जा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। रोएगी वो, सोने दे मेरी बेटी को, प्यारी बेटी। ये इधर मुकर रही है, ये उधर से खा रहा है। विशु को नींद आ रही है भाई। देखो गाइस दीपू क्या कर रहा है, आपको दिखाती हूँ छुप छुप के क्या कर रहा है बेटा। कुछ तो कर रहा है, मैंने मना किया था तेरे को, फिर भी ये मैंगो खा रहा है, देख लो। ले मैं कट करूंगी, मेरे को दे। जूस बनाना है या ऐसे ही खाएगा? चक्कू इसमें था क्या? इसमें था बेटा, ये मिस्त्री ने लेना, देखना पड़ेगा।
वैसे ही बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई हमारा घर में, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं, पता नहीं कितने दिन का काम बचा हुआ है, तो ऐसे ही रहेगा बस। अब आपको अड़के अड़के ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने का, कभी कुछ काम कभी कोई काम हो ही जावे है, और फिर साफ़ सफाई भी करनी पड़े है सुबह उनके आने से पहले भी, और शाम को फिर वो लेट जाते हैं, लेट छुट्टी करें तो उसके जाने के बाद भी, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाओ, पता भी नहीं चलता दिन का कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। ये देख लो सारा इकले पता रहेगा, देख कितने पापड़ कट्ठे कर दिए, पूरा आम खा गया इकला। अरे मैंने गर्मी बहुत ज्यादा, और ये बेटा ये देखो गाइज, आज मैंने इसको साफ कर दिया, देख मेरा फेस भी दिख रहा है, ये देखो हमारे सारे फोटो आज मचम मचम कर रहा है, यो मैंने साफ कर दिया है ना, सोफा भी मैंने साफ कर दिया, तभी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो रही हूँ, आज से भी ज्यादा पूरे दिन काम लगी रहूँ है ना गाइज, कम से कम एक डेढ़ घंटा हो चुका है, और ये उठने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, ये अपने नहा धो के सोगी, ये इसका लोइन है इधर ही रख रखे है इसने, ये दीपांशु की फोटो है, ये टूट गई थी, अभी मिस्त्री आए तो साफ सफाई करने लगे, उस चक्कर में सामान उधर से उधर हुआ तो टूट गई, इसमें नया शीशा लगवाएंगे हम जल्द सी, बहुत जल्दी लगवाएंगे। और ये फ्लावर देखो गाइज, ये स्टोन है, ये मैं लेके आई थी चंडीगढ़ से, और ये देखो गाइज ये है गोल्डन टेम्पल, जब हम अमृतसर गए तो मैं तब लेके आई थी इसको, अच्छे से आपको बाद में दिखाऊंगी गाइज, तब हम ओम टूर करवाएंगे तब दिखाऊंगे।